सबसे सरल उपाय रख दिया। बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने जरूरत है, क्या करो थोड़ा भगवान के नाम जप करो, ठीक है ना। और महाप्रभु ने बताए नाम कैसे जप करने चाहिए, नाम जप करने चाहिए नियमित रूप में। कैसे करनी चाहिए जोर से बोलो, नियम करके। ऐसे नहीं आज इच्छा हुआ था थोड़ा माला जप कर लिया और कल इच्छा नहीं हुआ तो माला जहां तक लटक रहा है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। हाँ देखो जब गुरुदेव हमें माला देते हैं, वो माला नहीं दिए गुरुदेव ने क्या किया हमें, गुरुदेव ने ठाकुर जी को हमें दे दिया। कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। इसलिए जैसे घर में एक दिन अगर भोजन नहीं करो, स्नान नहीं करो, कपड़ा नहीं बदलाओ, अच्छा लगेगा आपको? गुरुदेव कहते थे अगर गुरुदेव ने जो माला दिए है ये माला को कभी भूखा मत रखा करो, माला को क्या मत रखा करो भूखा। भूखा मतलब होता है अगर एक दिन ही हमने माला जप नहीं की, ठाकुर जी दिन भर भूखे रहे, ठाकुर जी भोजन नहीं किए, ठाकुर कपड़ा नहीं बदलाए, ठाकुर जी स्नान नहीं किया। इसलिए रोज नियमित पूर्वक भगवान के नाम को ठीक करके ब्रह्म का नाम जप करनी चाहिए। और अंतिम समय में साथ में क्या जाएगा, ठाकुर का नाम तो जाएगा। जीवन में जो कुछ कर ला करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे यही तो बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही तो बोलेंगे ना। बेटा जितने तुमने भगवान का नाम जप किए हो तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जीवन में जो कुछ किए हो एक सुई धागा भी तेरे साथ में यहाँ से नहीं जा रही। पत्नी जाएगी तो रो रो कर कहाँ तक जाएगी, दरवाजा तक जाएगी। पत्नी आगे जाएगी साथ में नहीं जाएगी। परिवार वाले जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, शमशान तक जाएंगे, और वहीं पर जला करके टा टा करते करते वहीं से वापस चले आएगी, उसको आगे कोई भी साथ में जाने वाले नहीं। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मेरे राम गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मेरे राम गली गली। इसे मीरा कहती है भैया जगत में ऐसे कौन जो राम के प्यारे हैं, मैं गली गलियों में हीरे जवाहरात को बिखर रहा हूँ। वो कौन सा, बोले भगवान का नाम रूप हीरे जवाहरात। कहे जिन जिन ने यह मोती लूटे सो माला माल हुए, बोले कौन कौन लूटे, बोले तुलसी मीरा और नरसिंहा। देखो जगत में हनुमान जी का दिन जय जयकार हो रहे कि नहीं, घर घर में हनुमान जी की पूजा होती है। बोले क्यों, कोई घर में किसी मंदिर में पूजा करते हो, घर में अगर कोई बंदर आ जाए ना, बोले भैया घर अपवित्र हो गया धो दो। हनुमान जी खुद कहते हैं सवेरे अगर उठ करके कोई बंदर का मुख देखे और उसका नाम ले ना, दिन भर उसको भजन नहीं मिलेगा। हनुमान जी खुद कहते हैं, कहते ऐसे जात में मेरी जन्म हुई, लेकिन देखो अभी हनुमान जी घर घर में पूजा हो रही है। किस लिए, कारण क्या है, हनुमान दिन भर क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, यही करते ना हनुमान जी। हनुमान जी खुद कहते हैं जगत में मेरी इतने पूजा क्यों हो रही है, बोले केवल एक ही कारण है, मैं दिन भर राम का सेवा करता हूँ, दिन भर राम का नाम लेता हूँ, तभी मेरी पूजा हो रही है। इसलिए भगवान का नाम जो लेता है ना मीरा, जगत में तो बहुत सारी स्त्रियां हुई है, जैसे मेरी हमारी जो माँ की माँ की माँ के नाम दुनिया कोई लेता है, बताओ बताओ तुम्हारी माँ की माँ की माँ के नाम कोई ले रहा है, कोई नहीं ला रहा, लेकिन मीरा का नाम लेते हैं। इसलिए वो भगवान की भक्ति की है, राम का नाम की, भगवान के नाम जप की, इसलिए जगत में उसकी इतनी पूजा हो रही है मीरा की। शंकर जी दिन भर क्या करते हैं, बोले पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर भी पंचमुख में भगवान के नाम जप करते हैं, महामंत्र जई जपत महिषा। इसलिए शंकर जी दिन रात महामंत्र जप करते हैं। इसलिए देखो शंकर जी की सब जगह पूजा होती है। माता देवी का नाम जानते हो कि नहीं, सुनियो माता देवी की, देखना उनका आठ हाथ में, देखना एक हाथ में माला है,
एक हाथ में माला है, इसलिए शंकर जी को एक दिन पार्वती ने पूछा, बोले प्रभु मैं किसका नाम लूं? शंकर स्वयं कहते हैं, बोले राम रामेति रमेति राम रमे मनोरम। बोले पार्वती भगवान राम का नाम बड़ा प्यारा नाम, प्रभु का नाम जप करो। तब से माता पार्वती माला में जप करती है। अब सरस्वती को देखना चार ही हाथ है, देखना एक हाथ में माला देखोगे, ब्रह्मा जी की चार ही हाथ देखोगे, एक हाथ में माला जप करो। दुनिया जगत में वो उतना व्यक्ति बड़ा है जितने प्रभु का नाम को जप किया। मीरा कह रही है जिन जिनने यह मोती लूटे को सब माला माल हो गए। जैसे अभी मोदी, मोदी का नाम सुने कौन सुना मोदी का नाम? अभी मोदी मोदी हो रहे हैं, क्यों? अभी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अगली इलेक्शन में अगर नहीं आएगा तो फिर मोदी का नाम कोई लेगा? अभी जोगी जोगी हो रहा है, क्यों? अभी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, अभी केजरी केजरी वाला कर रहे, क्यों मुख्यमंत्री? अगली बार नहीं आया तो कोई पूछेगा? बताओ उनको कोई पूछेगा? जगत में कोई नहीं पूछेगा। लेकिन हनुमान की, तुलसीदास का नाम, मीरा के नाम कभी मिटेगा? कभी नहीं मिटेगा। क्यों? उन्होंने प्रभु का नाम जप किया। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु का नाम जप करते हैं जन्म जन्मांतर में कभी नाम उसको कभी नहीं मिटेगी, एकदम अमर बन जाएगी। इसलिए कहती है राम नाम की माला, बोला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला, कोई दिलवाला, माला जपी थी यशोदा माने, 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 अब ले गया भजनी वाला जपेगा कोई दिलवाला, मिल गया मुरली वाला जपेगा कोई दिलवाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, माला जपी थी अंजना माने, माला जपी थी अंजना माने, माला जपी माला जपी थी अंजना माने, मिल गया बजरंग बाला जपेगा कोई दिलवाला, मिल गया बजरंग बाला जपेगा कोई दिलवाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, माला जपी थी गौरा माने, माला जपी थी गौरा माने, मिल गया जबरू माला जपेगा कोई दिलवाला, मिल गया जबरू माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिल्ली वाला नहीं है।
जपेगा कोई दिल्ली वाला नहीं, कौन वाला? हाँ, जिसका दिल मजबूत है ना वही जप कर सकता है, नहीं तो आप देखना अगर कोई शराब पी रहा है ना उसको कोई दुनिया कुछ नहीं बोलेगा, लड़की बाजी करे, जुआ खेले, सिगरेट फूके, कुछ नहीं बोलेगा कुछ को, कुछ उसको कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन अगर थोड़ी गले में कंठी माला पहन लिया ना, अगर प्रभु का थोड़ी भजन करना, बोले ये क्या, ये सब क्या कंठी माला, ये कोई उम्र है तेरा भजन करने की? अभी से तुमने सब कंठी माला, लेकिन शराब पिए ना, बोले ये उम्र है, सिगरेट फूके, बोले ये उम्र है तुम्हारी, है जितने गंदे काम कर देखना दुनिया कुछ नहीं बोलता है। इसलिए कहते राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, मतलब क्या है, जिसका दिल मजबूत है, जिसका दिल मजबूत है वही भजन कर सकता है, जिसका दिल कमजोर है ना वो शराब पी सकता है, सिगरेट फूंक सकता है और उल्टा पुल्टा सारे काम कर सकता है, लेकिन प्रभु का भजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो दिल वाले वही भगवान का नाम वही जप कर सकते हैं। इसलिए दिल वाली कौन थी, दिल वाली मीरा ने दिल वाली थी। आप लोगों ने मीरा ना मीरा का नाम सुनियो, कौन कौन मीरा के नाम जानते हो, हाथ उठा दो, आप सुने इनका नाम सुने होंगे। जब उसने भगवान कृष्ण की भजन करना शुरू की, देखना उसका पति विरोध बन गया, उसका देवर विरोध चला गया, उसका नणंद सांस तो श्वास लेने नहीं दी, यहां तक भी कुत्ता भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। दुनिया ऐसे है, अगर कोई भक्ति करे ना सारा दुनिया उसको पीछे पड़ जाते हैं, ये सब क्या काम है, ये भजन भजन किया है, लेकिन उल्टा पुल्टा काम है कोई कुछ बोलने वाले नहीं। इसलिए कहते राम नाम की माला जपेगा कोई, जपेगा कोई, देखो जो दिल वालों ने जो प्रभु का नाम जप किया है अभी भी जगत में अमर बन गए जगत। अब बताओ मीरा के नाम हो रहे कि नहीं, लेकिन उसका विरोध सबके सब लग गए थे, सबके सब उसको पीछे पड़ गए। इसलिए आप लोग जो भजन करते हो कोई विरोध करने पर भी सुनना नहीं, इनकी बात नहीं सुनना। प्रहलाद का नाम सुनते सुने है ना, प्रहलाद जिसने 5 साल उम्र में भजन किया, जिसका पिता होकर इसको जान से मारने के लिए कोशिश की, पहाड़ का ऊपर से फेंक दिया, पानी में फेंक दिया, आग में, होली का भी होली आई ना, एकदम आग आग बीच में बैठा कर आग लगा दी। लेकिन जगत में किसका नाम हो रहा है, भागवत में किसकी नाम लिख गई, प्रहलाद का नाम लिख गई। इसलिए जो भजन करते हो एकदम निर्भय निर्दर होकर के, दुनिया भले ही कुछ बोलते रहे लेकिन हम तो भगवान की भजन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दुनिया छूट जाए लेकिन भगवान की भजन नहीं छूटने हमनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, भगवान की नाम को जप करने का है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जब चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने एक बार निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में तुम्हारी भोजन है, महाप्रभु ने क्या बताया, बोले देखो सबके घर में मैं भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में भोजन करोगे, बोले जो लखपति बनेगा, जो लखपति, आज से 5.5 साल पहले, लखपति मतलब उसी समय जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो, 1,00,000 स्वर्ण मोहर, उसको घर में हम भोजन करेंगे। लेकिन भक्त लोग तो साधारण थे, बोले प्रभु हमारे घर में 1,000 रुपया तक भी नहीं, 1,000 रुपया मतलब 1,000 स्वर्ण मोहर, बोले 1,000 की बात छोड़ दो, हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, 100 रुपया मतलब क्या, जिसको घर में 100 स्वर्ण मोहर होगा। बोले प्रभु फिर हमारे घर में आप भोजन नहीं करोगे, फिर भगवान सबको बैठाया, सबको बैठा करके समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन कौन है, बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, 1,00,000 ठाकुर जी की नाम जप करते हैं वो असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती है जिन जिनने यह मोती लूटे वो सब माला माल हो गए, इसलिए माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी केवल दुनिया की पैसा को पैसा पैसा को पैसा लूटते रह गए, आखिर वो कंगाल हुए। इसलिए मुट्ठी बांधी आया जगत में, हाथ पसार जाओगे, हैं हाथ पसार जाओगे। इसलिए अब मेरे तरफ में देखो, हमारे भक्त लोग तो जानते हो लेकिन जो नए लोग हैं सबके सब देखो मेरे तरफ, बच्ची बैठ जाओ, हाँ मेरे तरफ में देखो। आप लोग कुछ दिन पहले टीवी में आता था अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन का नाम जानते हो, कौन कौन अमिताभ बच्चन का नाम जानते हो, सब जानते हो। एक टीवी में आता था कौन बनेगा करोड़पति, आता था ना,
कौन बनेगा? करोड़पति आता था, लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं कौन बनेगा? लखपति। अब देख लो कैसे लखपति बनेगा। जैसे ये माला है और इसमें 108 मोतियां हैं, हैं? जब ये माला जब करते हैं ना, ये अंगुल को उसमें नहीं लगाते हैं, क्योंकि गंधांग सबसे पहले ये निकलता। हम कहते ना तेरे को हम देख लेंगे, तुम मेरे को क्या समझ रखे हो, है? सबसे पहले ये अहंकार का प्रतीक है, इसलिए ये अंगुल को हम ऐसे बाहर निकाल कर रखते हैं, रख करके ये बीच वाले अंगुल को पर रख करके, जैसे हरे कृष्ण। अब सब मेरे साथ में हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, बोल करके एक मत सरकाते। और एक बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। उसमें दो मत सरकाते, देखो एक लाख कैसे होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया? 16 बार हो गया। एक बार माला नाम लेते ही 16 नाम हो गया। इसमें 108 मोती है। अगर ऐसे यहाँ करते करते अभी यहाँ खत्म हो जाएगी, इसको ऊपर पार नहीं करके घुमा देना, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करना। अगर ऐसे 16 माला कर लिया ना, हिसाब से 25,000 हो गया। अगर 64 माला कर लिया, हो गया 1,00,000। भगवान खुद कहते हैं, बोले तुमने 1,00,000 माला नहीं की, फिर क्या की? बोले आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गए। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगा बैंक में? अगर पैसा ब्याज तो मिलता है ना कुछ, ब्याज कितना मिलेगा? मीरा कहती है, दीन दीन बढ़ता सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन। आज अगर 1,00,000 माला किया ना, कल तुमको 1,25,000 मिलेगा, और 4 दिन में ना 2,00,000, 4 दिन में 2,00,000 हो गया। मतलब ये इतने तेजी से ये संपत्ति बढ़ती है धन। लेकिन जगत का जैसे पैसा कमाते कमाते मानो आज तुम 100 करोड़पति, 100 करोड़ों का आज तुम्हारी मालिक, शरीर छूट गया, बताओ यहाँ से कितना पैसा जाएगा? एक सुई धागा भी नहीं जाएगा, एक सुई धागा भी यहाँ से छू नहीं सकते हो, है? लेकिन ये ऐसे धन है, अगर इसी जीवन में कमाते कमाते शरीर छूट गया ना, ये ब्याज समेत अगली जीवन में तुम्हें ये ब्याज समेत मिलेगी। इसको अगर पति कमाएगा तो पत्नी नहीं ले सकती है, पत्नी कमाएगा तो पति नहीं ले सकता है, बच्चा कमाएगा तो पिता माता नहीं ले सकते हैं। जो कमाएगा इसी जीवन में आप भी मालिक हो, और अगले जीवन में आप भी पूरा मालिक रहोगे। ये धन को कोई भी नहीं ले सकता। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीर का एक दुआ है, कहते जगत में हैं, कहते मरने में सब जग डरे मेरा मन आनंद। ये कबीर का दुआ है। अभी कोरोना आ गया था ना, घर से कोई निकले थे, घर से कोई निकल रहे थे, सब घर में छुप गए। बोले क्यों? बोले भैया हम मरना नहीं चाहते, इसलिए तो छुप गए थे घर में। मरना क्यों नहीं चाहते? देखो ध्यान देकर सुनो, ये कबीर कहता है, मरने को डरे हो, भजन किया है, भगवान की भजन नाम नहीं किया। जब नाम नहीं करने पर मरने के बाद उसको 84 नर्क भोगना पड़ता है, एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता है। 13 दिन बाद में शुद्धि क्रिया होता है ना, 13 दिन बाद में क्यों? उसके एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता है, जो नदी केवल टाटी पेशाब खून पी का होता है। ये गरुड़ पुराण में देखना, जो मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ते हैं ना आप, देख लेना, वो गरुड़ पुराण पढ़ाई पढ़ते हैं घर घर में, उसमें सारे वर्णन आती हैं, और उसको कोड़े मार मार करके उसको पार करना पड़ता है। उसको लग जाती है 13 दिन। कितना दिन लगती है? इसलिए हम 13 दिन बाद में शुद्धि होती है। बोले ये किसको पार करना पड़ता है? बोले जिसकी गला में तुलसी कंठी नहीं, जो तिलक नहीं लगाया, जो हरिनाम नहीं करता ना, उनके लिए, उन्हीं के लिए है। लेकिन जिनकी गले में तुलसी कंठी हो, तिलक लगाते हरिनाम करते हैं, उनको ये नदी पार नहीं करना पड़ेगा। ये जब स्वयं कहते हैं अपना जम दूत को, अगर किसकी गले में तुलसी कंठी देख लिया, तिलक लगा देख लिया, उनको प्रणाम करना, मेरे पास में उसको नहीं लाना, उसको दंड देने वाले अगर कोई करेंगे पूरा कर्म ठाकुर को करेंगे, मैं नहीं कर सकता हूँ, कभी भी ये बेहतरीन नदी पार नहीं करेगा। लेकिन जिनके गले में तुलसी कंठी नहीं, फालतू कुत्ते
कितना जब महाराज कह रहे हैं देखो जो भजन नहीं करते मेरे पास में ले आना। बोले भैया पता कैसे चलेगा कौन करता नहीं करता? बोले उनको शरीर में तीन लक्षण है, गले में तुलसी कंठी, तिलक देखो।